बटियागढ़ में पति पत्नी आग से झुलसे, 108 से जिला अस्पताल रेफर, पड़ोसी पर जिंदा जलाने के आरोप। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना क्षेत्र के जैन मंदिर के पास रहने वाले पति पत्नी आग से झुलस गए, जिन्हें गंभीर हालत में 108 की मदद से जिला अस्पताल दमोह भेजा गया। पीड़ित पति पत्नी ने पड़ोसी पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने के सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। पीड़ित भागीरथ लोधी और पत्नी भारती लोधी ने पड़ोसी पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि गिट्टी डली होने के विवाद में ये घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल दोनों का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। बटियागढ़ थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के संबंध में अभी पुलिस का कोई बयान नहीं आया है। उनका भारती लोधी कैसे क्या हो गया? सर हम लोग डाल रहे थे गेहूँ, तो एक वही पड़ोसी में अन्नू जैन का नाम का लड़का रहता है, जैन समाज का है, अन्नू और सुनील, ये दोनों जो रोज को गाली देते थे हम लोगों को, और आज गेहूँ डाल रहे थे। आज हमारी बच्चों की है छुट्टी, तो हमने कहा छुट्टी में भाई अपने बच्चे घर पे ही हैं, सब जने हैं, तो हम गेहूँ डाल रहे सूख रहे गिलाने, गेहूँ डाल रहे थे सूख रहे गिलाने, तो जो पहले सुबह से गाली दे रहा हूँ अन्नू, तो ये गाली देते देते बाद उसके बाद में हम लोगों ने कहा हटाओ गाली दे रहा हो, दारू पिए हैं, तो हमने की दारू पिए हैं गाली दे रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, मानो भैया अपनो काम करो, हमने इनको मना करी, हम जात में अपना सूपा उठा लाओ, ये कहीं सूपा उठावे के लाने अंदर, ठीक है, इतने में हम लोग आए हैं, इतने में उसने देखो देखते दौड़ के गाओ दो बॉटल पेट्रोल की ले गाओ, दो ही बॉटल पेट्रोल की डाल के और आगे लगा दें। किसने लगा दी इनको? अन्नू और सुनील। कहाँ के रहने वाले हैं लोग? वो भी हमारे घर के सामने ही रहते हैं। कोई बुरानी बुराई चल रही है? नहीं बुराई कुछ भी नहीं है, बुराई कोई है ही नहीं है, दारू पिए हैं। आपको कैसे आग लग गई थी? हमें बुझाते समय हमने देखा कि भड़कम से आग लग गई, तो हम तो तुरंत गेहूँ